अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जैन अद्दीन का दोस्त हूँ। मेरा बैकरी का हलीम मनाता हूँ, अदीन का उस्ताद हूँ मैं यहाँ का। जो ये रियाज कितना बोल कर आया है कि सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, फोटो बनाकर मार्क डालकर जो वायरल कर रहे हैं, ये सब झूठे बातें हैं और ये गलत बातें हैं। हम अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, हम ईमान वाले हैं सबसे पहले। ये फितनों पर, ये गलत चीज़ों पर हमारा ईमान नहीं है, हमारा ईमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर है। तो ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर 40-50 साल से लोगों की जो खिदमत अंजाम है वो आवाम के लिए है और आवाम इससे खुश भी है। कुछ लोग हैं जो उनको तकलीफ़ हुई होंगी, शायद कोई आए होंगे, बैठे होंगे। ये तो सबके लिए कारोबार है, यहाँ पर कोई भी आ सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो आ सकता, बैठ सकता। हम उनको रोक नहीं सकते और ना उनको कुछ बोल सकते। शायद उसके तरफ से कुछ गलत समझ ली होंगे आवाम और ये बनाकर डाल देंगे, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये मत करिए, किसी का भी ईमान ख़राब हो सकता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि आपके एक के करने से लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नईम अहमद है। मैं मेरा स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, फतेह भाई से। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है हमारे खिलाफ़ कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई फितने में पड़े हैं, ऐसा ऐसा बताएं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई सब गलत बातें हैं, हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं, कुरान हदीस पे चलने वाले हैं, उससे हटके हम कहीं किसी की बातों में नहीं आते, कुरान हदीस को छोड़कर। और ये पता नहीं ये फोन लोग कर रहे हैं, मगर हमारे कारोबार पे असर हो रहा है। लोगों से ये हमारे लोग फ़ोन करके बता रहे हैं भाई ऐसा ऐसा वायरल हो रही है, ये क्या मांझ रहा है। तो बस्ती वाले ही बोल रहे हैं भाई ऐसे तो नहीं है कुछ भी, फिर भी ये वायरल कौन कर रहे हैं वीडियो पता नहीं। हम ये कहना चाहते हैं लोगों से भाई हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कुरान हदीस पे चलने वाले हम लोग, सुन्नतुल जमात के हैं और अल्लाह उसके रसूल को मानने वाले हैं। कि वीडियो वायरल हो रही है कौन है क्या है हमारे को पता नहीं है, कौन कर रहे हैं क्या है अल्लाह को मालूम है वही बात। खैर जो भी है इसे अल्लाह ही देख लेंगे उन लोगों को, इससे हम तो इससे हट के कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह के हवाले कर दिया हम ये सब। और बस अल्लाह पे भरोसा है हमारे, हम तो हक पे है, सीधे रास्ते पे है, अल्लाह का शुक्र है। बस यही बताना है हमारे भाइयों को पूरे, जो वीडियो वायरल हो रही है उस पर तवज्जो मत दीजिए आप, बस यही बोलना था मेरे को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुद्दीन है, मैं फ़तेह दरवाज़े पे मेराज बेकरी का ओनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक फरियादी कितना बोल के वीडियो वायरल हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि मेरा स्वीट्स एंड बेकरी को बायकॉट करिए, लेकिन वो सरासर झूठ है। कोई फितने में हम लोग नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई जलन है, किसी को हसद है पता नहीं, लेकिन हम लोग ये फितने में कुछ नहीं है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं, उनके सबसे में हम लोग कारोबार कर रहे हैं। और ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग इस मीडिया के ज़रिए कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सरकार के सदक़े में जीने वाले हैं। और दूसरी बात, कलमे की बुनियाद पे कारोबार करते हैं हम लोग। और जहाँ तक सवाल है, हम लोग सुन्नी हैं, सुन्नी मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वही है। आप लोग इस बातों में मत आइए कि ये फितना है, ऐसा है, ये कौन करे क्या है, अल्लाह आलम। बस हम यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग आइए, आपके लिए हम लोग खैर मकदम करते हैं आपका अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये सब बातों में मत जाइए, कौन है क्या है पता नहीं, बस यही गुजारिश है आपसे कि ये कोई फितना इतना हम लोग तो किसी से वास्ता ही नहीं है, ये है असल। और बोलने का मकसद यही है कि आप आइए, ये फितना इतना सब बेकार बातें हैं, हम लोग सरकार के नक्श कदम पर चलने वाले हैं, अल्लाह और अल्लाह के उसके रसूल से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर वो चाहा तो अपने को देंगा, नहीं चाहा तो बिल्कुल भी नहीं देंगा। यही हम यही बुनियाद पर काम करते हैं और कलमे की बुनियाद से हम हट ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुन्नी मुस्लिम हैं। बस यही गुजारिश है आप लोग से कि आप लोग बराबर आ सकते हैं मेरा स्वीट एंड बेकरी को। अस्सलाम वालेकुम।